नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री टूर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हूं मूंगफली तेल बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां पर सालाना 2,00,000 लीटर से अधिक 100% शुद्ध तेल बनाया जाता है। और ये तेल बनाने की पूरी प्रोसेस फुली ऑटोमेटिक मशीनरी से नॉन टच होती है। इतना ही नहीं, ये पूरी प्रोसेस लाइव है और आप यहाँ से तेल खरीद भी सकते हैं। इस फैक्ट्री में तेल बनाने के लिए सालाना 10,500 टन मूंगफलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 11,600 वैगन आर कार के वजन के बराबर है। है ना कमाल की बात। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं अक्षर लाइव फैक्ट्री का और देखते हैं कि नेचुरल मूंगफली का तेल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की मूंगफली को सीधे किसान के पास से खरीदा जाता है और उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। और साथ ही इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें मॉइस्चर कम से कम हो। ये फैक्ट्री गुजरात के महेसाणा शहर में स्थित है। अब मूंगफलियों को ऑटोमेटिक कन्वेयर की मदद से थ्रेसर में भेजा जाता है। थ्रेसर में मूंगफलियों के दाने और छिलके ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये अलग हुए दाने साइज में कितने बड़े हैं और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, और ये बहुत टेस्टी भी है। मैंने खुद इसको चेक कर देखा है। अब तैयार हुए मिक्सर यानी कि मूंगफली के दाने को ऑयल प्रेस मशीन के हॉपर में डाला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मूंगफली के दाने के साथ उसके छिलके भी डाले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मूंगफली के साथ साथ उसके छिलकों में भी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अब हॉपर में डाला हुआ मिक्सर मशीन में जाता है। मशीन में प्रोसेस होने के बाद तेल निकलना शुरू हो गया है। ये तेल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए इसे आगे की प्रोसेस के लिए स्टोरेज में भेज दिया जाता है। और इसके एक छोर पर बाय प्रोडक्ट्स निकलती है, उसमें अभी भी 14% तेल मौजूद है, इसलिए उसको कन्वेयर की मदद से दूसरे मशीन में भेज दिया जाता है। अब ये रॉ मटेरियल को दूसरे ऑयल प्रेस मशीन के हॉपर में डाला जाता है, जिसमें से बाकी बचा हुआ 7% तेल निकाला जाता है और इसे भी स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। स्टोर किया हुआ ऑयल अभी क्लीन होना बाकी है और मशीन से निकले बाय प्रोडक्ट्स को पशु आहार के लिए भेज दिया जाता है। अब इकट्ठे हुए तेल को मशीन की मदद से फिल्टर की प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। फिल्टरिंग प्रोसेस ये फैक्ट्री की एक अहम और मेन प्रोसेस है। दोस्तों इतने सारे नल को देखकर आपको जरूर लगता होगा कि ये तो पानी के होंगे, है ना? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये तो फिल्टर होकर निकलने वाले तेल के नल है ना कमाल की प्रोसेस। ये प्रोसेस में कच्चे तेल को अलग अलग स्टेज में प्रोसेस किया जाता है और हमें शुद्ध तेल मिलता है। अब ये तेल बनके तैयार है, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी अच्छी क्वालिटी के लिए इसको दूसरे फिल्टर मशीन से निकाला जाता है और इसी वजह से इसको डुअल फिल्टर ग्राउंड नट ऑयल कहा जाता है। ये फिल्टर प्रोसेस में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ कॉटन के कपड़े के द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अक्षर लाइव फैक्ट्री में फुली ऑटोमेटिक और नॉन टच तरीके से तेल बनाया जाता है, इसलिए इसकी यहाँ पर स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए फिल्टरिंग मशीन के ऊपर नेट को लगाया गया है, जिससे कोई कचरा तेल में ना गिर जाए। फाइनली 100% प्योर लाइव और नेचुरल तेल बन के तैयार है और इसे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। अक्षर लाइव फैक्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ पे आप मूंगफली का तेल लाइव बनता देख सकते हैं और यहाँ से ही खरीदी भी कर सकते हैं। अब तैयार हुए तेल को डब्बों में पैक किया जाता है। इस फैक्ट्री में अलग अलग साइज जैसे कि 15 लीटर के डब्बे, 10 लीटर के कैंस और 1 लीटर की बोतल भी मिलती है, और उसके बाद डब्बे को पैकेजिंग मशीन की मदद से सील किया जाता है। और दोस्तों फाइनली मूंगफली का तेल तैयार है आपके खाने के लिए, और बस देरी है तो गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खाने की।
तो दोस्तों आप भी अक्षर लाइव नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों ग्राउंडनट तेल बनाने की ये फैक्ट्री अनबॉक्सिंग आपको जरूर पसंद आई होगी। हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ऐसी ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलता हूं एक और फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।